अपहरणकर्ताओं से सकुशल बरामद किए गए बच्चे के एसएसपी बने बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप डे पर बंधवाया बैंड। थाना मझौला के क्षेत्र बुद्धि विहार से 40 लाख की फिरौती के लिए 7 साल के बच्चे के अपहरण के बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो एसएसपी हेमराज मीणा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 टीमों का गठन किया था और 12 घंटे में ही बच्चे को मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चा बरामद होने के बाद माता पिता के साथ एसएसपी ऑफिस लाया गया, जहां एसएसपी हेमराज मीणा ने फ्रेंडशिप डे पर वैदिक से अपने हाथों पर दोस्ती का बैंड बंधवाया। एसएसपी ने वैदिक के साथ पक्की दोस्ती का वादा किया। इस मौके पर मौजूद बच्चे के माता पिता ने अपना बच्चा सकुशल मिलने पर एसएसपी हेमराज मीणा, सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर का आभार व्यक्त किया। वहीं हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आर्यन स्कूल में 3 क्लास के छात्र वैदिक ने बताया, जिस समय उसको साइकिल चलाते समय कार में बैठाया गया उस समय कार में 3 लोग बैठे हुए थे। वैदिक ने बताया उसने शोर भी मचाया था, जिससे लोगों ने शोर सुनकर उसके घर इन्फॉर्म किया। वैदिक ने बताया पुलिस अंकल ने उसे बचा लिया, उसे कुछ नहीं पता कार में बैठे लोग उसे कहां ले जा रहे थे। 12 घंटे में अपहरण के साथ बड़ी 40 लाख की फिरौती की घटना के खुलासे पर पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया है। कहां ले रहे थे आप? अच्छा, कहाँ से ले रहे थे आपको उठा के? मतलब मैं घर से गए थे, मैं अपनी साइकिल चला रहा था तो पता नहीं एक गाड़ी गोल गोल चक्कर लगा रही थी, तो फिर पता नहीं कोई एड्रेस या कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे तो एकदम से वो पकड़ लिया, फिर पता नहीं कहाँ ले गए। अच्छा, तो आप मम्मी पापा को कैसे पता चला आप? मैंने मतलब मचाया था, मैंने सुना नहीं, बाद में पता चला कि उनको बाद में पता चला। तो आपको पुलिस अंकल ने छुड़ाया? आपको है? आपको पुलिस अंकल ने छुड़ाया? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? 3 लोग।